नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपके लिए एक अच्छा प्रश्न लेके आया हूँ जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। यूज फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व वन डायमेंशन वेव इक्वेशन वाइब्रेटिंग स्टेरिंग, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन एज एन एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। 10 नंबर का प्रश्न आएगा, ऐसे पूछ सकता है या इसको अथवा करके ऐसे पूछेगा कि यूज द मेथड ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट बाई एक्स कॉमा टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्टेयरिंग गिविन डेट द स्टेयरिंग इज इनिशियली एट रेस्ट एंड इनिशियली डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ एक्स। फोर माइनस इनफाइनाइट टू बिलोंग करेगा इनफाइनाइट तक एक्स की जो वैल्यू है। सो डैट द सॉल्यूशन कैन बी पुट इन द फॉर्म, तो इसका जो हल है वो लिखा जा सकता है कैसे, बाई एक्स कॉमा टी बराबर वन बाई टू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी टी। ये अपने पास ये तीन प्रकार से ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न। इसमें कुछ भी नहीं करना, ये हमको वैल्यू ये वाली ज्ञात करनी है इसमें बस। तो सिंपल डेरिवेशन है दोस्तों कि बी नो डेट वेव इक्वेशन डी टू बाई एक्स कॉमा टी अपन डी एक्स स्क्वायर अपन अपन बी स्क्वायर डी टू बाई अपन डी टी स्क्वायर एक्स कॉमा टी, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नाउ भी है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है। ये इनिशियल कंडीशन इस एक में अप्लाई करनी है आपको। एक में अप्लाई करने के बाद आपको ये टेकिंग फूरियर लेना है, इसका जो इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास। फूरियर लेने के बाद ये फूरियर के यहाँ पर फूरियर के जो मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले यूज करने के बाद आपको माना हुआ है बाई के कॉमा टी इज फूरियर ट्रांसफॉर्म बाई एक्स कॉमा टी का, तो फूरियर उस पर लगाना है। और फूरियर की जो निकालते हैं किसी का भी, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है कि ये वाला वन अपॉन अंडर रूट में टू पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट बाई एक्स कॉमा टी एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स डी एक्स, इससे निकालते हैं। अब यहाँ यूजिंग इक्वेशन चार में इसको यूज करना है। यूज करने के बाद सिंपल इस इक्वेशन अपने को आ जाएगी। आने के बाद पुट द वैल्यू इक्वेशन फाइव एंड सिक्स इक्वेशन तीन में, जो इक्वेशन अपनी थर्ड थी ये वाली जो अपने फूरियर लगाया था इक्वेशन फर्स्ट पे, इसमें इसको पुट कर देना है। वैल्यू को पुट करने के बाद ये अपने पास ऐसा आ जाएगा कुछ डेरिवेशन, जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा दोस्तों। अब इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सिंपली हमको कर लेना है दो टर्म में सेवन एंड एट इक्वेशन में ये आ जाएगा। एक तो हमको सिंपली वाई के कॉमा टी की वैल्यू आई है, ये ए एक्सपोनेंशियल आइटा के बी टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के बी टी, इसका डेरिवेटिव कर लिया है दोस्तों टी के सापेक्ष, तो आइटा के बी आ जाएगा आगे ए एक्सपोनेंशियल आइटा के बी टी माइनस आइटा के बी बी एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के बी टी नंबर आठ। अब टी का मान नर्स में जीरो रखेंगे तो फिर हम इक्वेशन सात में, तो बाई के कॉमा जीरो ए प्लस बी सिंपली आएगा, और डी वाई अपन डी टी के कॉमा जीरो रख टी की जगह जीरो रखें तो आइटा के बी ए माइनस एक्सपोन आइटा के बी बी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का मान तो एक हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी नो, हम जानते हैं जो हमने ये माना डी अपन डी वाई अपन डी टी एक्स कॉमा जीरो बराबर होता है डी वाई अपन डी टी के कॉमा जीरो, तो ये दस और एक का जो मान है इक्वेशन ग्यारह में यहाँ पे पुट कर देना है, डी अपन डी टी बाई एक्स कॉमा जीरो आइटा के ए माइनस बी। तो इक्वेशन दो को यूज करना है बारे में, तो आइटा के बी ए माइनस बी, तो ए बराबर बी आ जाएगा सिंपली। इसी प्रकार बाई के कॉमा जीरो में रखेंगे तो टू ए आ जाएगा, जो इक्वेशन तेरह को हम इक्वेशन नाइन में रखेंगे जैसा कि दिखाया गया है, तो सिंपली आ जाएगा। इसी प्रकार इक्वेशन टू से हम बाई एक्स कॉमा जीरो एफ एक्स मानते हैं, फूरियर करते हैं दोनों का फूरियर लेने पर, तो बाई के कॉमा जीरो एफ के आ जाएगा, तो पंद्रह से मान फिर दोबारा फोर्टीन इक्वेशन में रखने पर एफ के बराबर टू है, तो ए बराबर एफ के अपन टू सिंपली आ जाएगा। इसी प्रकार बी के की वैल्यू भी यही सिंपली आएगी, समान आएगी एफ के बटे दो सत्रह, तो सोलह और सत्रह से वैल्यू नन पे सात में रखनी है। सात में इक्वेशन अपनी सिंपल थी, यहाँ इसकी एफ के की जो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, ये तो ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पट गई है। ये अपनी इक्वेशन सेवन से यहाँ पे मान सेवन में मान रखा है, तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हम करेंगे। तो यहाँ सिंपलीफाई यूजिंग नन पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आएगी, और सिंपली जो आपसे पूछा है बाई एक्स कॉमा टी वन अपन टू ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी टी प्लस ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस बी टी, ये सिंपलीफाई आपको डिनोट कर देता है यहाँ पे रखा हुआ है। और बस यहीं तक ही आपको दोस्तों आंसर आपको यहीं तक ही करना है इसका ये वाला।
इसके बाद तो ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हुए हैं कि फूरियर साइन और कोसाइन के, साइन और कोसाइन के फॉर्मूले। तो सिंपली ये फॉर्मूले आपको कर लेने, याद कर लेने, यदि आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछे कि ये दोनों फॉर्मूले साइन और कोस के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइए कि आपको जो समझ में नहीं आया तो आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो फिजिक्स से रिलेटेड, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।